नमस्कार साथियों, आज टीवी पर सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से वार्ता को लेकर के और कुछ तथा कथित संगठनों के द्वारा जो भ्रामक खबरें फैलाई गई है उसके बारे में मैं आप लोग के साथ साथ जो आज दिन भर की गतिविधि रही पटना में, जो हलचलें रही मीडिया में या मंत्री स्तर पर, उसके बारे में मैं आप लोग को कुछ चीजें जो जानकारी प्राप्त हो सकती हैं उसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। साथियों, तथा कथित एक संगठन के द्वारा वार्ता को लेकर के और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, मैं उसका सीधे शब्दों में खंडन करता हूं और आप तमाम शिक्षकों को ये बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर वार्ता के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। जो भी पहल की जा रही है वो सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है और उससे हड़ताली शिक्षकों का कहीं भी भला होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो भी मंत्री, जो भी विधायक, जो भी MLC जिस प्रकार का ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर, अखबार में, लेटर पैड के माध्यम से या TV के माध्यम से जो खबरें आ रही है वो सिर्फ भ्रामक है और भ्रम फैलाने वाली है। विभागीय स्तर पर वार्ता को लेकर के अभी तक कोई सकारात्मक सुझाव नहीं दिए गए हैं, परंतु कल 24 तारीख को शिक्षा विभाग में 48 शिक्षकों को लेकर के जो रिपोर्ट मंगाई गई है उसके उपरांत कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन ये भी सोचने वाली बात हो कि आखिर सरकार को जिस प्रकार के DO, DPO, RDD जो रिपोर्ट देंगे उसी के आधार पर सरकार यह तय कर पाएगी कि 48 शिक्षकों के साथ किस प्रकार से वार्ता होगी। उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार यह तय करेगी कि सरकारी शिक्षकों के साथ अब किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए। जो शिक्षा मंत्री कोषांग, प्रधान सचिव के कोषांग, अपर मुख्य सचिव के कोषांग से जो खबरें छन के आई है, जैसा कि हमने टेलीफोन के माध्यम से कई सारे विभागों के जो मंत्री हैं उनके PA से, उनके प्रतिनिधियों से जो मैंने बात की है उसमें इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा मंत्री को कोई वार्ता के लिए नहीं कहा गया है। कुछ MLA, MLC, विधायक, MP लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि इनका रंग, इनके द्वारा किए गए पहल कब तक रंग लाता है, परंतु अभी लगता है कि नियोजित शिक्षकों को एक बार पुनः इंतजार ही करना पड़ेगा। जैसा कि आज के तमाम स्थिति परिस्थिति को पटना में देखने के बाद हमें ज्ञात हुआ है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर आप हड़ताल पर जमे रहे, डटे रहे, लेकिन इस आंदोलन के आड़ में जो राजनीतिक खेल हो रहा है, जो सांगठनिक खेल हो रहा है, जो अपने संगठन संघ को बचाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, जो हाई कोर्ट में जिस प्रकार से शिक्षकों के साथ भ्रम स्थिति उत्पन्न की गई थी, जिस प्रकार से इस आंदोलन में एकता के नाम पर भ्रम उत्पन्न किया गया और आज फिर वार्ता के समय निर्णायक मोड़ पर जिस प्रकार से स्थिति उत्पन्न की जा रही है, निश्चित तौर पर नियोजित शिक्षकों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कि मैं कड़े शब्दों में सभी नेतृत्व वर्ग के नेताओं से, शिक्षकों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप अपना चेहरा चमकाऊ कार्यक्रम तत्काल बंद करें। आने वाले समय में जो स्थिति होगी आप उसके बाद अपनी विचारधारा, अपने संघ, अपने संगठन को लेकर के आप जमे रहेंगे, डटे रहेंगे, जो भी विचारधारा होगी वो शिक्षकों के बीच में रखेंगे, परंतु यह उपयुक्त समय नहीं है, यह उपयुक्त माहौल नहीं है जिसमें कि आप सांगठनिक गतिविधि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति से अलग हटकर किसी भी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने दें। धन्यवाद, थैंक यू। एक बने, नेक बने, घर में रहे, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और पटना से जो भी होगा मैं समय समय पर आपको अवगत कराते रहूंगा। आप लोग हमें और सभी शिक्षकों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।